I am going to discuss about the chemical properties of phenols. Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction. Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction. Friedel-Crafts अल्काइलेशन रिएक्शन में हम फिनॉल का रिएक्शन अल्काइलेशन मतलब अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अल्काइल हैलाइड RX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं. It gives OH in R. Alkyl groups. And ये ऑर्थो पोजिशन एंड ये पारा पोजिशन पे है. एसाइलेशन रिएक्शन में ये अल्काइलेशन था, ये एसाइलेशन रिएक्शन. एसाइलेशन किसे कहते हैं? जब हम RCOX से, X हैलाइड ग्रुप है, RCOX से हम रिएक्शन कराते हैं, उसे एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में. व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ RCOX, X की जगह क्लोरीन बैठा सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, it gives OH and COR. And second, ऑर्थो पोजिशन एंड इन पारा पोजिशन पे COR एंड OH. Friedel-Crafts अल्काइलेशन रिएक्शन में हम अल्काइलेशन में RX से फिनॉल रिएक्ट विथ RX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इट गिव्स ऑर्थो एंड पारा अल्काइलेशन ग्रुप्स. एंड फिनॉल पे ऑर्थो पर अल्काइल ग्रुप आएगा एंड पारा पे अल्काइल ग्रुप आएगा. एसाइलेशन रिएक्शन में RCOX को बोलते हैं. एसाइलेशन रिएक्शन में हम RCOX से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में. एक ऑर्थो पर देगा, एक पारा पर देगा. इसमें R की जगह CH3 भी बैठा सकते हैं, CH3Cl, C2H5Cl एंड RCO, CH3COCl भी बैठा सकते हैं. या एसाइलेशन में रीमर टाइमन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड CHO groups is introduced at ortho position of benzene ring. This reaction is known as Riemann-Tiemann reaction. When phenol react with chloroform CHCl3 एक इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH एक्वस है एट 340 केल्विन टेम्परेचर है. यहाँ से रिमूव होगा NaCl एंड वाटर रिमूव होगा. इट गिव्स CHCl2 एंड यहाँ ONA
Na plus minus. And when यहाँ से 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ रिमूवल होगा 2NaCl, तो यहाँ पर अनस्टेबल एक कंपाउंड फॉर्म होगा, अनस्टेबल यहाँ O माइनस Na प्लस एंड CH, यहाँ Cl2 2NaCl करके हट जाएगा, यहाँ OH और यहाँ OH, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ। यहाँ से वाटर तुरंत रिमूव होगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, यहाँ वाटर रिमूव होगा, यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगा इसका, यहाँ से वाटर यहाँ से चला गया तो यहाँ पर फॉर्म हुआ O माइनस Na प्लस, यहाँ से वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ पर CHO बचा। एंड डाइल्यूट HCl के बाद करने से रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करने पे यहाँ NaCl रिमूव करने पे ये फॉर्म होगा OH एंड CHO। इसका नाम क्या होगा? सेलिसल डिहाइड या टू हाइड्रोक्सी टू